दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके लिए एमएक्स प्लेयर की ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिसको आपने शायद कभी यूज किया हो। दोस्तों 90% लोग इस ट्रिक के बारे में नहीं जानते। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, आप उसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों उसके बाद आपको बेल का आइकन दिखाई देगा, आप उसको भी दबा दीजिए। दोस्तों इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं अब आपको ट्रिक दिखाता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, मैं अपना एमएक्स प्लेयर ओपन करता हूँ फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको एक गाना प्ले करके दिखाता हूँ। अब फ्रेंड यहाँ पर यह गाना प्ले हो चुका है। अब फ्रेंड्स, अगर आप इस गाने को बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं तो आपको कुछ सेटिंग करनी होती है, पर दोस्तों आप उन सेटिंग को बिना करे ही ये गाना बैकग्राउंड में चला सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपको ये गाना MP3 में सुनना है तो आप कैसे सुन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ। अब फ्रेंड देखिए, हमारा गाना प्ले हो चुका है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों आप ध्यान से देखना, अभी हमारा गाना रुक चुका है। दोस्तों आपको अपना गाना प्यूज़ करना है, और दोस्तों उसके बाद आपको जहाँ पर प्ले का ऑप्शन होता है आपको वहाँ पर हल्का सा लॉन्ग प्रेस करना है। अब दोस्तों उसके बाद आपको अपनी होम की दबा दीजिए। अब फ्रेंड आप देखिए, होम की दबाने के बाद आपको जो गाना है, देखिए फ्रेंड यहाँ पर बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है। फ्रेंड्स आपको गाना रोकना है, फिर आपको लॉन्ग प्रेस करना है कुछ टाइम के लिए, फिर आप अपनी होम की दबा दीजिए। फ्रेंड देखिए, ये गाना हमारा यहाँ पर प्ले हो चुका है। देखिए फ्रेंड बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा आपको प्रोसेस नहीं करना। देखिए फ्रेंड इस तरीके से गाना रुक गया, फिर आपको हल्का सा लॉन्ग प्रेस करना है और आप अपना होम की दबा दीजिए। दोस्तों ये गाना हमारा MP3 में प्ले हो चुका है। देखिए फ्रेंड, ये गाना यहाँ पर हमारा MP3 में प्ले हो रहा है। दोस्तों इसी तरीके से आप किसी भी गाने को, अगर आपको वीडियो गाना है आप MP3 में चलाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से उस गाने को MP3 में चला सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।